स्वागत है एक और नई वीडियो में। तुम्हारा भाई लेके आ गया है एक और नई वीडियो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है और तुम्हारा भाई एक और नई ब्रांड न्यू पल्सर लेके बाइक आ गया है। और ये पल्सर 150 का है, टॉप मॉडल है और डिजिटल फुल डिजिटल मीटर है। तो यहाँ पे आप एक बार मीटर चेक कर लें, जीरो है और फ्यूल भी बिल्कुल खाली है। तो बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो अभी भाई को बोलता हूँ कि आधा लीटर तेल इसमें डालें और इसकी करते हैं माइलेज चेक। तो फिलहाल अभी डालते हैं इसमें फ्यूल। बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि इसकी खाली है टंकी। तो निकालता हूँ चाबी और कैप इसकी खोलते हैं। तो डालते हैं इसमें तेल और आपको चेक भी करा देता हूँ कि कितना इसके अंदर हम फ्यूल डालते हैं, ठीक है। तो 500 ml है और ढंग से आप इधर नाप सकते हैं कि 500 ही है, 5-7 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसका कुछ नहीं है, ठीक है। और इसकी माइलेज की टेस्ट भी हम कर लेंगे। तो जो भी भाई इस बाइक को लेने वाले तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन ले रहा है, कौन कौन नहीं ले रहा है। तो डालते हैं तेल फटाफट और निकलते हैं हाईवे की ओर। तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें फुल तरह से। और वीडियो में देखें हम बिल्कुल अच्छी स्पीड से हम जा रहे हैं और बिल्कुल 30-40-50-60 की स्पीड में भगाएंगे गाड़ी को, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे क्योंकि नई गाड़ी है और इसका इंजन भी नया है। क्योंकि इस इंजन में फॉल्ट आ सकता है क्योंकि अभी पहली सर्विस नहीं हुई है गाड़ी की। तो बने रहे वीडियो में और देखिए ऑटो वाला जा रहा है आगे। और चाचा जरा साइड हट जा भाई। और अभी एजेंसी से हम बाइक लेके आए हैं, थोड़ी सी सेटिंग है एजेंसी में, तो उसने बोला कि हाँ ले जाओ भाई, थोड़ा लोन है अपना जाने वाला। तो चलो देखते हैं और अभी देखो कितना आगे हम आगे। तो हाफ लीटर से हम पूरा चेक करेंगे क्या माइलेज दे रही है गाड़ी। तो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दे सकती है माइलेज। मेरे ख्याल से ये देगी 40 से 40 नहीं, अगर आधा लीटर से ये देगी मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर तो दे देनी चाहिए क्योंकि नई इसमें FI मॉडल है। 25-30 प्लेन एरिया है तो ज़्यादा भी दे सकती है क्योंकि हाईवे है तो 5 गियर लगेगा, तो आई ज़्यादा भी दे सकती है भाई, कोई चक्कर नहीं है। तो दिखाते हैं और ये हम घुस के थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करेंगे आज, थोड़ा सा मूड हुआ ऑफ रोडिंग करने का तो निकल रहे हैं ऑफ रोडिंग करने। और देखिए कितना ख़राब रास्ता है, थोड़ा सा स्पीड में अब गियर डाउन होगा तो माइलेज भी थोड़ी सी कम होगी। बाकी राहुल भाई बताएंगे कि क्या क्या होगा। तो राहुल भाई मना कर रहे हैं बात करने को, तो मैं ही आपको पूरा वॉइस ओवर देता रहूँगा। तो देखिए गाइज हम अपने गांव से काफ़ी दूर निकल गए हैं और हाँ हमने 1 लीटर तेल बैग में रखा है क्योंकि अगर हम रास्ते में फंस जाएंगे तो हम वापस अपने घर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे भाई ने थोड़ी सी स्पीड हाई कर दी है और कितना सुनसान रास्ता है और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इतना थोड़ा बैकवर्ड सा एरिया है आगे। तो इसलिए हम पहले से इतना बोरिए बिस्तर में सामान लेके आ गए हैं और ऑटो वाला आगे से आ रहा है तो देखते हैं क्या बनता है। तो चलो मिलता हूँ थोड़ा सा। और ये इसमें नया मीटर देखने को मिलेगा आपको, थोड़ा सा मेरे को इसका लुक अच्छा नहीं लगा और इसमें थोड़े बहुत कंपनी ने इसमें मॉडिफिकेशन की है। अब थोड़ा सा रुकता हूँ मैं इधर और थोड़ा घूम लेता हूँ क्योंकि अभी इससे आगे ज़्यादा रास्ता ख़राब है और ऐसा ना हो कि बाइक में दिक्कत आए तो शोरूम में मुझे दिक्कत होगी बाइक को रिटर्न करने में। तो यहाँ से हम बैक हो लेते हैं और 2829 की स्पीड से हम जा रहे हैं। हाँ तो इस जो ये पल्सर है इसमें आपको सबसे पहले फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे OBD जो भी आपका लाइट वगैरह सब आपको इधर ही मिलेगी आगे देखने में। हाँ इसमें आपको चार्जर अब साइड में लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलता है 12 वोल्ट का चार्जर और कंपनी ने कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की। हाँ इसके जो ग्राफिक है वो थोड़े से चेंज करे हैं कंपनी ने और थोड़ा स्पोर्ट्स सा लुक दिया है और ब्रेक वगैरह सेम सब कुछ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी हेलोजन लैंप इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी मुद्दे इस बाइक में लगते हैं। अब कंपनी इतना पैसा ले रही है तो उस हिसाब से हेलोजन लैंप वगैरह भी देने चाहिए। तो अब हम पहुंचने वाले हैं मेन रोड के पास, जहां से हम लेफ्ट साइड हमने कट मारा था। तो अब हम करेंगे इसकी हाईवे पे माइलेज टेस्ट, मतलब मिक्स है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी था 5-7 किलोमीटर, और अब हम पूरी तरह से हाईवे में पहुंच गए। तो हमारी स्पीड जो रहने वाली है वो 50 से 60 के बीच रहने वाली है, और एक चाचा जा रहा है बिना हेलमेट से, तो इसका चलान भी हो सकता है। तो आप हेलमेट सबसे पहले आपको पहनने चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है भाई। और एक और पल्सर वाला जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन पल्सर का बड़ा ट्रेंड जा रहा है, पल्सर बाइक काफ़ी बिक रही है। और एक क्रेटा वाला भी गया, पता नहीं कौन सी का, ओ बच गया बच गया। थोड़ा सा ऑफ इंटे आ गई थी टायर में, और ABS ने यहाँ पे हमें बचा लिया। और ऐसे ही रास्ते में ABS बड़ा काम आता है, और इसमें यही दुख है कि इसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS आता है, जो कि फ्रंट ब्रेक में आपको देखने को मिलता है। तो बैक में कोई भी ABS नहीं है, तो पीछे का डैश स्किप हो जाता है। तो मेन हमारा फ्रंट पे होता है, क्योंकि हाई स्पीड में बंद हैंडलिंग उससे होती है, तो फ्रंट ब्रेक काफी इम्पोर्टेंट रोल करती है। तो तुम्हारा भाई पेल रहा है बाइक को अच्छे से प्यार से, और निकल रहे हम। देखिए अब शायद मीटर में आपको देख पा रहा होगा कि हमारी बाइक चल पड़ी है अच्छी खासी। तो अभी वीडियो की क्वालिटी हाई करके देख लेना कितना मीटर चली है। और एक्टिव वाला भी जा रहा है, हाँ एक्टिव वाला भी गया अभी, तो निकलते हैं आराम आराम से। तो अब थोड़ी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं थोड़ी सी वीडियो की जो स्पीड है थोड़ी फास्ट कर लिए, ताकि जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो बोर ना हो, और जो मेरी इतनी 1000 YouTube फैमिली जुड़ गई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ से हम थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, तो देखते हैं। और ड्रैग रेस लग गई है, इन छपरियों के बीच लहरते हुए जा रहे हैं, और यहीं लहराओ, ज़्यादा मत लहराओ। वो ये छपरी की पहचान है, जो बिना हेलमेट से ऐसे 3-3 बैठ के ऑफ रोडिंग करते हैं, वो छपरी होते हैं। तो तुम्हारे भाई ने भी ठीक पे ली हुई बाइक, और निकल रहे हैं सटासट अपनी मंजिल की ओर। तो सभी से यही निवेदन है कि प्लीज हेलमेट लगाएं, ताकि बजाज के लिए भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच शोरूम वालों को, और मैं चाचा जो उन्होंने बाइक दी अपनी, क्योंकि कोई भी एजेंसी वाला ऐसा नहीं देता है। हुआ था तो वहाँ तो थोड़ी सी सेटिंग थी तो दे दी उन्होंने, और उन्होंने बोले कि रिव्यू भी कर दो इसका। तो हमने सोचा क्यों ना, मॉडर्न जमाना है तो हम भी थोड़ी सी कर देते हैं। तो यहाँ से गलियों की राह में फुल स्पीड में तुम्हारा भाई बिल्कुल बाइक को पहलता हुआ, और स्कॉर्पियो का पीछा कर रहा है भाई। और ओ चाचा क्या, ओ यार बात बात बचे, यहाँ से स्कॉर्पियो ने ठोक दिए थे, और यहाँ गलियों में अब अपने मस्त करके गेड़ी मार रहे हैं। तो पूरी माइलेज दूंगा आपको कितनी चलती है। ओ बच गए, ओ हो 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 भाई साहब फुल स्पीड में जाते, ओ चंती, ओ पापा की परी भी आ गई थी। तो पापा की परी का एक सुख है कि अगर उसको उसने लेफ्ट इंडिकेटर मारा होगा तो राइट जाएगी, और राइट मारा होगा तो लेफ्ट जाएगी, ठीक है। अगर लेफ्ट तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस साइड उसने जाना होगा। ओ पुलिस, बच गए। और व्हाइट कलर की कार जा रही है, पता नहीं कौन सी है, महिंद्रा की XUV700 महिंद्रा की। ओहो क्या लुक है, ओ भाई गॉड, अभी नई गाड़ी ली है मेरे को लगता है चाचा ने। और जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता। ओ फुल स्पीड में, तो थोड़ी सी स्पीड और फास्ट कर देता हूँ। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मिल रहा हूँ आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो यहाँ पे हमारी बाइक जो बंद हो गई थी, और मीटर में हमारी माइलेज 452 दिखा रहा है, जो कि गलत है। तो हमारी बाइक चली थी 27.3, तो इसको हम गुना कर लेते हैं डबल, क्योंकि हमने हाफ लीटर डाला था, इंटू टू करेंगे। तो जो हमारी माइलेज निकल के आ रही है वो 52 किलोमीटर निकल के आ रही है, क्योंकि हम सोलो भी राइड की थी, और
इकोनॉमी स्पीड में हमने इसको चलाया था, तो यहाँ पे 52 की माइलेज या 55 के बीच में मिल जाएगी पर लीटर में, क्योंकि हमारा थोड़ा हाईवे भी था तो उस करके भी थोड़ी ज़्यादा माइलेज निकल गई है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये पता लगेगा कि माइलेज कितना देती है बाइक। तो आई होप गाइस आप इस वीडियो को देख के काफ़ी अच्छा फील करेंगे जो भी ये बाइक लेने वाले हैं। और हमारी जो बाइक है स्टार्ट नहीं हो रही है, तेल ख़त्म इसका हो गया पूरी तरह से। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।